हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट्स पा चैनल। आज मैं दिखाऊंगी मेरे कॉस्मोस प्लांट का केयर। ये आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कॉस्मोस है, उसके पीछे पिंक पर्पल वैरायटी का कॉस्मोस है। ये व्हाइट वाला देखिए कैसे पत्ते नहीं दिख रहे हैं, पूरा फ्लावर से ढक गया। पूरा 15-20 फ्लावर तो आए ही है इस एक प्लांट में, करीब 4 फुट का हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा व्हाइट कलर है, कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा ये प्लांट। बहुत सारी कलियां आई हैं, बहुत हेल्दी प्लांट है ये। तो ये कितना अच्छा शोभा बढ़ा रहा है ये देखिए मेरे गार्डन का। और ये वाला है पर्पल वैरायटी का या वायलेट वैरायटी का, वायलेट ही है शायद। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, इसमें भी बहुत सारे कलियां आई हैं। ये धूप पड़ेगा तो और ज्यादा एक्सपैंड होगा। अभी हाल ही में ये सुबह को ही खिला है, जितना धूप पड़ेगा उतना ये एक्सपैंड होगा। देखिए बहुत खूबसूरत है। और कॉस्मोस देखिए ऐसे खिलता है, इससे इतना ज्यादा खिलता है कि पत्ते नहीं दिखते और देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। पर इसको ग्रो करने में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसमें इसके पॉटिंग मिक्स में, मैंने जैसे हर वक्त कहती हूँ आप 80% वर्मी कंपोस्ट और 80% गार्डन सॉइल और 20% वर्मी कंपोस्ट देके भी कर सकते हैं, या गार्डन सॉइल 50% 20% वर्मी कंपोस्ट और 30% आप सैंड भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें सैंड 30% 20% वर्मी कंपोस्ट और 50% गार्डन सॉइल लेके इसका पॉटिंग मिक्स तैयार किया है। ये देखिए मैंने बनाना पील भी ऊपर से दिख रहा है, मैंने दिया था हाल ही में क्योंकि इसमें बहुत फ्लावर्स आ रहे हैं, तो मैंने बनाना के छिलके को ऐसे काट के पानी में 3 दिन तक भिगो के रखा था। फिर उसे ऐसे मैंने एक बाल्टी पानी में डाइल्यूट करके ये मैंने दिया है। देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट भी छिलका दे सकते हैं। और मास्टर केक पाउडर मैं 3 दिन तक पानी में पचा के एक बाल्टी पानी में एक मग मिक्स करके करीबन हर पॉट में डालती हूँ। और यही मैं करती हूँ बस। और फंजीसाइड स्प्रे किया था मैंने, क्योंकि इसका ना लीफ कर्ल का ही प्रॉब्लम होता है। मैं दूसरा वाला कॉस्मोस दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसका, ये देखिए लीफ कर्ल हुआ है, यही एक प्रॉब्लम होता है। ये लीफ कर्ल, ये देखिए लीफ कर्ल हुआ है, ये सिर्फ ये लीफ कर्ल जो है ये वो माइट्स के वजह से होता है। और एक हरे रंग का मोटा कीड़ा होता है जो पत्ते के यहाँ पे ऐसे डाली में लग के पूरा जो है रस चूस लेता है और पत्ता ऐसे हो जाता है, कर्ल हो जाता है। यही एक प्रॉब्लम होता है इसका। तो ये इसलिए हुआ है, इसमें नहीं हुआ है क्योंकि ये कड़ी धूप में था और इसलिए ये बहुत हेल्दी है। इसको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फंगिसाइड स्प्रे किया था रेगुलर बेसिस पे, हर प्लांट में मैं करती हूँ। 2 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगिसाइड और मिराकुला मिक्स करके जो फ्लावरिंग टॉनिक है मैं वो देती हूँ लगभग हर प्लांट को। तो और इसे कड़ी धूप में रखा था तो इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगा है और इसमें भी नहीं लगा है। पर ये वाला थोड़ा सा कम धूप में था, छाँव में था, तो इसमें लीफ कर्ल हो गया है। तो मैंने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया है और कड़ी धूप में रखा है। और देख पहले और भी खराब हालत था, पर अब पहले से अब सुधार आ गया है। तो आप इजीली अगर कुछ फ्लावर जल्दी चाहते हैं पर ज़्यादा मेहनत नहीं चाहते करना, तो आप ये कॉस्मोस लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, आपके गार्डन को बहुत सुंदर बना देगा। देखिए ये एक प्लांट ही कितना भरा भरा लग रहा है इस एक प्लांट के लिए। आप मेरा गार्डन, ये एक प्लांट ही ऐसे उगेगा कि आप मतलब भरा भरा लगेगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। तो
और मैं और एक दिखा देती हूँ मेरे ये विंटर गार्डन का ओवरव्यू। ये देखिए मेरा ये वैरायटी का जो क्रिसेंथेमम है ये खिला है। इसको मैं खाली पानी दे रही हूँ क्योंकि इसके सारे जो ये जो है बर्ड्स है ये ना बर्स्ट हो चुके हैं, तो इसमें मैं और फर्टिलाइज नहीं कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके कलियाँ ऐसे हालत में थी लगभग सारे के सारे, तो मैंने इसमें फर्टिलाइज कर रही थी, पर अब जब बर्स्ट हो चुके हैं मैं इसे फर्टिलाइज करना बंद कर चुकी हूँ, सिर्फ खाली पानी देती हूँ। फिर भी मिट्टी इसका पॉट का मिट्टी जब सूखा होता है तभी, और इसमें तो मैंने बहुत पहले से ही बंद कर दिया था क्योंकि इसके जो बर्स्ट बहुत पहले ही हो चुके थे। सिर्फ पानी दे रही हूँ, ये देखिए धीरे धीरे खिल रहा है, लगभग सारा ही खिल चुका है। ये विंटर का और एक स्पेशल प्लांट, ये पैंसी का प्लांट है। ये मेरा कितना छोटा सा प्लांट है देखिए, और इतने छोटे से प्लांट में ही बहुत सारी कलियाँ भी आई हैं और दो फ्लावर भी खिले हैं। ये मैंने नर्सरी से सीडलिंग लाई थी, सीडलिंग नहीं छोटा सा प्लांट लाई थी शायद, उसे मैं रिपोर्ट करके पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। आप अगर फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने नर्सरी से लाके इसे रिपोर्ट किया था। तो देखिए ये इसका रिजल्ट है। सब नहीं, मैं वो मास्टर केक पाउडर जो है वो देती हूँ क्योंकि वो ना बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करता है। ये देखिए मेरा कैलेंडुला, ये देखिए ये धूप पड़ेगा तो और एक्सपेंड होगा। इसमें भी कितने सारे कलियाँ हैं आप देख सकते हैं, फ्लावर भी खिले हैं, इसमें भी देखिए कलियाँ हैं।